हमने कई बार देखा होगा कि स्क्रू कैसा होता है, ये यदि हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं तो ये नीचे की डायरेक्शन में जाता है, और यदि हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं तो ऊपर आता है। यानी कि किस डायरेक्शन में इसको घुमाते हैं हम, इस पर टोटली डिपेंड करता है कि इसका मूवमेंट जो है वो किस डायरेक्शन में होगा। तो ये समझने के लिए हम एक छोटी सी क्लिप देखेंगे। आई होप कि ये छोटी सी वीडियो क्लिप से आपको ये राइट हैंड स्क्रू रूल परफेक्टली समझ में आएगा। If a right-handed screw rule is rotated from vector A to vector B through a small angle, the direction of the advancing screw gives the direction of the cross product of vectors A and B. If the screw is rotated from vector B to vector A through a small angle, the advancement will be downward. आई होप कि आपको राइट हैंड स्क्रू रूल क्या है ये एग्जैक्टली समझ में आ गया होगा, और राइट हैंड स्क्रू रूल का क्रॉस प्रोडक्ट के साथ क्या कनेक्शन है, कौन सा वेक्टर पहले लेंगे तो किस डायरेक्शन में रिजल्टेंट जाएगा, और दूसरा वेक्टर हम पहले लेंगे तो किस डायरेक्शन में रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी।